जो एग्जाम uh, अगर इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है जब दोबारा पेपर होंगे सेप्टेंबर अक्टूबर में तो फेडरल बोर्ड के जो आंसर है वो येस yes है कि दोबारा इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं अभी आप एग्जाम दे रहे हैं इसके बाद अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहेंगे कुछ सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए दोबारा दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं नो इलेक्टिव ओके क्वेश्चन है सर प्लीज ये बता दें कि किस इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ कौन सा कंपलसरी अटैच है ये बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास भी क्वेश्चन आता है यूट्यूब पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन uh, क्या है पहले हम ये समझते थे कि मैथ के साथ पाकिस्तान स्टडी और इस्लामैथ कंबाइन किया जाएगा फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए uh, किसके साथ कौन सा किया जाएगा एटी के साथ हंड्रेड वाला किया जाएगा तो इसका आंसर है नो no. कि कोई भी सब्जेक्ट आपस में ज्वाइन नहीं है ना ही कोई इलेक्टिव सब नो इलेक्टिव सब्जेक्ट इज अटैच टू अ कंपल्सरी सब्जेक्ट मीन्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स कंप्यूटर या मैथ फिजिक्स स्टैट्स जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो किसी भी कंपल्सरी सब्जेक्ट uh, के साथ अटैच नहीं है हाँ लेकिन ये होगा कि आपके जो ये जो तीन एग्जाम दे रहे हैं आप मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की इनकी परसेंटेज उसमें काउंट होगी इन तीनों सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाली जाएगी और इसके मार्क्स उसमें काउंट होंगे तो आपने ये पहले क्लियर कर लेना है कि इलेक्टिव एलेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर इफ वी मेक अ मिस्टेक इन आवर आंसर्स एंड वी डू कटिंग विल मार्क्स बी डिडक्टेड सो इसका आंसर है इफ रीडेबल देन एग्जामिनर गिव फेवर टू कैंडिडेट However, you यू कैन नॉट चैलेंज एग्जामिनर एट एनी लेवल एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सो अगर वो रीडेबल हुआ तो आपको कैंडिडेट को एक स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएंगे अदरवाइज आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर आपको मार्क्स नहीं दिए तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं uh, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है राइट right, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

इसके बाद अगर टाइम हुआ तो जा सकते हैं अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेमेस्टर जो जनवरी फरवरी वाला सेमेस्टर होता है उसमें जाना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं ओके hmm. okay. ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है इसका आंसर सबको ही पता होगा कि अगर कोई नेगेटिव मार्किंग हो सकती है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं आते हैं तो अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट उसमें जो काउंट होंगे वो लेजिटिमेट क्वेश्चन काउंट होंगे मीन्स आपको अगर टेन क्वेश्चन करने हैं तो पहले टेन जो किए होंगे वही काउंट होंगे आगे चलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट इफ एनी वन इज फेल इन वन सब्जेक्ट इज ही गिवन फ्री मार्क्स और ही विल रिपीट द क्लास सो अगर कोई बंदा किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है जो आप तीन एग्जाम दे रहे हैं या मैट्रिक वाले चार एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री अपियर होंगे आपको दोबारा सारे एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे राइट जस्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे okay. इस पे आते हैं सर तमाम बुक्स के नंबर किस किस बेस पे लगाएंगे क्या मेथड होगा सो so, मेथड मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट कंपलसरी के साथ ज्वाइन नहीं है अलबत्ता उनका एवरेज मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड टू कंपलसरी सब्जेक्ट सो ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं आगे देखते हैं

अपने मार्क्स के बेस पे दोबारा एग्जाम देने हैं या आगे आपने बढ़ना है उसका डिसाइड करिएगा ओके okay, हम लोग प्रॉब्लम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दिस वन आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर क्यों ले रहे हैं तो आ, इसको हम कंपल्सरी कर चुके हैं कि कंपल्सरी आर फॉर सो ओ यस ये क्वेश्चन ये काफी स्टूडेंट्स का आया था कि जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं जो नाइन टेन की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो उनके तमाम सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे उनका उर्दू भी होगा इस्लामियात भी होगा पाकिस्तान स्टडी भी होगा इंग्लिश भी होगा तो जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तमाम एग्जाम्स होंगे तो उससे उस रिलेटेड एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आप लोग कम्पल्सरी एग्जाम क्यों ले रहे हैं तो उसमें उनका आंसर है कि जो इंप्रूवमेंट वाले हैं या सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हो गए थे या इंप्रूव कर रहे हैं तो उनके तमाम एग्जाम होंगे इस बार भी और जब वो सेप्टेम्बर और नवंबर वाला एग्जाम होगा तब भी वो दोबारा तमाम एग्जाम देंगे अगर खुदाना खास्ता वो कम नंबर लेते हैं या फेल होते हैं सो डेट्स इट आज का जो वीकली सेशन है वो ये इसमें कुछ क्वेश्चन थे कुछ इनफॉर्मेशन थी इम्पॉर्टेंट तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स कुछ स्टूडेंट्स का कल केमिस्ट्री का के एग्जाम है देन वन वीक बाद कंप्यूटर का एग्जाम है देन मंडे को मैथ्स का एग्जाम है टेंथ क्लास का तो आप कोशिश करें कि अभी के अभी जो प्रिपरेशन अच्छी सी करके अभी ये एग्जाम क्लियर करें अच्छे से ताकि आप लोग को सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट ना देनी पड़े